बाबूजी, बाबूजी जल्दी आइए, बाबूजी। एक्साइटेड है हम लोग और इनके लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज ये स्टार्ट है इस जर्नी में. मैंने तो मिडवे ज्वाइन किया था और मेरे लिए भी उतनी स्पेशल इन्होंने, मेरे प्रोड्यूसर्स ने, मेरे डायरेक्टर ने, पूरी टीम ने बना दी. सो वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ देम. ओके, शो ने इनिशियल डेज में ही इतना बड़ा टर्न लिया और शो रिवैम्प किया, इसके बावजूद भी ऑडियंस से इतना प्यार मिला है, इस बारे में क्या कहना है? ये आप बताइए क्योंकि एक जोड़ी आपकी अलग थी, एक जोड़ी थी. मैं तो बस ये बोलूँगी कि सच बताऊँ तो मैं इसको जो दीक्षा है, दीक्षा तो पैकअप के बाद, बट रेवा जो मैं प्ले कर रही हूँ, तो रेवा में मैं मुझे कभी कभी ऐसा लगता है इतनी घुस गई हूँ कि यू नो मुझे ऐसे ऐसे फील नहीं होता कि अलग स्टोरी चल रही है. मुझे ऐसा लगता है रेवा की जर्नी है वो चीज़ बीत गई है, नाउ अभी जो चीज़ चल रही है वही है. तो मैं इसको ऐसे ले रही हूँ और अभी ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है हमारी स्टोरी और रेवा और राघव के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और इंटरेस्टिंग है और 100 एपिसोड हो गए हैं तो बहुत खुशी हो रही है. एक्चुअली ये कॉम्बो है हमारे डायरेक्शन का जो इतनी बेस्ट टीम है, हमारी जोड़ी का कॉम्बो है, हमारे राइटर्स का जिन्होंने राइटिंग इतनी अच्छी की है और प्रोड्यूसर्स का जिन्होंने पैसे लगाए हैं, तो ये कॉम्बो बहुत ही हिट हो गया.
सो आई गेस सिर्फ रेवा और राघव नहीं, आई गेस ये पूरी टीम का जो हमारा कॉम्बो है, ये पैक जो है हमारा, वो बहुत अच्छे से बैठ गया एक दूसरे के साथ. ओके, जब शो रिवैम्प हुआ कहीं ना कहीं ये डर था कि फैंस एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ऐसा कुछ था? उतना मुझे नहीं था, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं था, पता नहीं, मैंने ऐसे नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा ही होगा. नेगेटिव कुछ मैंने बोला जब राघव की भी एंट्री हो गई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है. कोई कंपैरिजन नहीं था कि अच्छा ऐसा हो गया, अब नहीं हुआ तो, बिकॉज जैसे मुझे समझ आ रहा था कि अगर हम एक शो बनाते हैं या हम कोई शो कर भी रहे हैं, तो ऑडियंस भी अगर कनेक्ट हो रही है, तो वो एक यू नो एक पॉइंट होता है कि अब इसकी कहानी है, चीज़ें चल रही हैं, नाउ ये कैरेक्टर्स हैं, उन्हें पसंद आता है, क्योंकि इतना टाइम देते हैं यार वो, एक शो को टाइम देते हैं, उसको एडिट करने में टाइम देते हैं, उसको देखने में इतना टाइम देते हैं, तो मुझे लगता है हमारे साथ साथ वो भी कनेक्ट हो जाते हैं, वो भी उस जर्नी को जी रहे होते हैं. तो मुझे बस ये था कि अब जो हो अच्छा हो, वो ऑडियंस को भी अच्छा लगे, तो टचवुड लकीली वो अच्छा लग गया, तो वो कोई कंपैरिजन नहीं था, बट वो अच्छा गया, हिट हो गया. और इनफैक्ट जब हम लोग फर्स्ट डे शूट पे थे प्रोमो पे, तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई थी कि ऑडियंस इतनी जल्दी तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज टाइम लगता है किसी भी चीज, किसी भी नई चीज को एक्सेप्ट करने में. बट एक चीज मुझे पता लग गई थी कि जिस तरीके से हम दोनों हार्ड वर्किंग थे और हमारी टीम इतनी हार्ड वर्किंग थी, कि बहुत जल्दी हम लोगों की जोड़ी एक्सेप्ट हो जाएगी. आप दोनों की केमिस्ट्री को भी काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है. अपने फैंस को कोई मैसेज आप शेयर करना चाहें जो आपको दिल से याद हो, क्या करना चाहें? मैसेज टू द फैंस. थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों को हमारी केमिस्ट्री पसंद आ रही है, और इट्स जस्ट प्योर फॉर्म ऑफ लव जो हम एक दूसरे को देते हैं और आप हमें देते हैं, और हम आपको देते हैं थ्रू एंटरटेनमेंट. सो आई गेस ये जो गिव एंड टेक है, ये हमेशा ऐसे ही चलना चाहिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस एंड लविंग अस.